السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चे बच्चियाँ, 15 शाबान के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। इस रात के मुख्तलिफ नाम उलमा ने रखे हैं, शब बरात, शब मग़फ़रत, शब रहमत, शब बरकत। हदीस पाक में इसका कोई नाम नहीं है। हदीस पाक में है लैलतु निसफ मिन शाबान, आधे शाबान वाली रात, यानी 15 शाबान की रात। इसमें सिर्फ ये अल्फाज हैं। यह नाम बात के उलमा ने रखे, चूँकि इसमें मग़फ़रत होती है तो इसका नाम शब मग़फ़रत, इसमें जहन्नम से खलासी होती है तो शब बरात, इसमें बरकात का नुज़ूल होता है तो शब बर मुबारक, इसमें अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है तो शब रहमत। लेकिन लैलतु निसफ मिन शाबान इसका नाम हदीस पाक में आता है। इसके बारे में उम्मत में दो तबके हैं, दोनों इंतहा पर हैं, जो नामुनासिब है। एक तबका है जो बिल्कुल इसकी नफ़ी करता है, रद्द करता है और उसमें शिद्दत इख्तियार करता है। इख्तलाफ का उसूल है कि अपनी बात पेश करो, दूसरे को इज्जत दो, लेकिन अपनी बात पेश करते हुए रूड हो जाना, रैश हो जाना और दूसरों की बेइज्जती करना, ये अल्लाह को नापसंद है, ये अल्लाह की बारगाह में इंतहाई नापसंद चीज़ है। तो उसकी बिल्कुल नफ़ी करते हैं कि कुछ भी नहीं है। एक तबका हमारे यहाँ है जिन्होंने क्या कुछ इसमें डाल दिया है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। जो इतदाल की बात है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह के फ़ज़्लो करम से ये इतदाल वाली है, यानी ना शिद्दत है ना वो बिदअत है, दरमियान की चीज़ है, उम्मीद है सही होगी। इस रात की फजीलत को 10 सहाबा ने रिवायत किया, जिससे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं, लेकिन ये सारी हदीसें ज़ईफ़ हैं। ज़ईफ़ हदीस से कोई हुक्म साबित नहीं होता, लेकिन इब्नुल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह चंद साल पहले सऊदीया के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, फ़कीह भी थे और बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने लिखा है कि 10 हदीसें ज़ईफ़ जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो हसन का दर्जा हासिल कर लेती हैं। हसन लगैर एक टर्म है मुहद्दिसीन की, कि वो काबिल कबूल हो जाती हैं और उसको फ़ज़ाइल में कबूल समझा जाता है, हुज्जत समझा जाता है, अमल के सबूत के लिए, इबादत के सबूत के लिए, अकीदा के सबूत के लिए। सही हदीस के बग़ैर कोई हदीस भी कबूल नहीं है। तो इसलिए 10 हदीसों ज़ईफ़ का जमा होकर इसकी फजीलत का बोलना इसके अंदर कुछ ना कुछ रखता है। और फजीलत जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई कि 15 शाबान की रात को आयशा फरमाती हैं मैं उठी तो आप बिस्तर पर नहीं थे, तो मैं ढूंढने निकली तो आप जन्नतुल बकी में पहुँचे हुए थे, तो आपने देख कर कहा आयशा तो क्या समझती है कि अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे साथ ख़यानत करेंगे, मैं तो बकी वालों के लिए आया था दुआ करने। फिर आपने फरमाया आज की रात वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बनू कल्ब एक कबीला है जिनके पास भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा थीं, कहा आयशा जितनी बनू कल्ब की भेड़ बकरियों के जिस्म पर बाल हैं उस उन बालों की तादाद के बराबर
अल्लाह ताला अपने बंदों को मग़फ़रत फरमाता है, जहन्नम से खलासी फरमाता है। इस पर शब बरात और शब मग़फ़रत उलमा ने इसका नाम रखा, मेरे नबी की ज़ुबान से ये नाम नहीं निकला। तो इसकी ये फजीलत है कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश का नुज़ूल होता है। बाकी ये जो कहते हैं कि इसमें फरिश्ता उतरता है और सारे साल की का बजट बताता है और सारे साल के वाक़यात, ये किसी हदीस में मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। सूरह दुखान में फ़ीहा युफ़रखु कुल्लु अम्रिन हकीम का जो आयत आती है, तो उससे पहले की आयत शबे बरात की नफ़ी करती है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, कि हमने इसे मुबारक रात में उतारा कुरान पाक। तो कुरान पाक तो लैलतुल क़द्र में उतरा है, तो अगर कोई किसी किस्म के ऐलानात होते हैं तो फिर शब क़द्र में होते हैं, इस रात में नहीं होते। दूसरा ये है कि इसके रोज़े और बंदगी के बारे में, शब क़द्र की अल्लाह के वास्ते मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्लाह की कसम कोई ख़ास इबादत मेरे नबी ने नहीं बताई, लैलतुल क़द्र की कोई ख़ास इबादत मेरे नबी ने नहीं फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं क्या करूँ? का ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, मुझे माफ़ फरमा। तो मेरे नबी की इबादत वही 11 रकात तहज्जुद के नवाफिल थे, चाहे वो शब क़द्र थी, चाहे वो शब बरात थी, चाहे वो शब जुमा थी। तो अब इसके नाम पर लोगों ने क्या क्या खराफ़ है, चूँकि हम कुरान और हदीस से नहीं जुड़े, किताबें लिखी हुई हैं, किसने लिखी, उसकी सनद क्या है, इसकी तमीज़ ही कोई नहीं है, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा 4 रकात पढ़ो, पहली रकात में ये पढ़ो, दूसरी में ये पढ़ो, तीसरी में ये, चौथी में ये सब बिदात हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं मेरे नबी के किसी भी फरमान से। मेरे नबी ने सिर्फ इबादत का फरमाया है, इबादत, तो शब क़द्र में भी कोई ख़ास अमल नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर आपने इबादत करनी है तो मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर। मेरे नबी नफली बंदगी घर में अदा फरमाते थे। अब शब बरात में सलात तस्बीह की जमात हो रही होती है, ये कितनी बड़ी नादानी की बात है। नफलों की तो जमात ही नहीं होती, तो ये सलात तस्बीह की जमात करवा रहे होते हैं। नफली इबादात के बारे में अल्लाह के नबी का तरीका घर में पढ़ना है, और अल्लाह की तरफ से भी हमें जो इशारा मिलता है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने अल्लाह को खूब याद करें और लोगों से कट जाएं बिल्कुल, और सबसे कट के आप अपने रब को याद करें। वमन लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअथक रब्बुका मकामम महमूदा, फ़ैज़ा फ़रख़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। इन सारी आयात का खुलासा ये बनता है कि नफली इबादत सुन्नतें भी हों घर में पढ़ो, और ख़ास तौर पर जो ऐसी रातों की इबादत होती है, मस्जिदों में इकट्ठे होना और इस रात में झंडियाँ लगाना, फिर आतिशबाजी करना, ये आतिशबाजी तो बिल्कुल ही इसराफ है और खराफात है। तो मेरी गुजारिश है कि मेरे नबी की जो सुन्नत है, आप नफली बंदगी इबादत अपने घर में फरमाया करते थे। इस रात में अगर आप इबादत करना चाहते हैं मस्जिद की बजाय घर को मस्जिद बनाएं। वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सला,
अल्लाह ने बनी इसराइल से फरमाया, अपने घरों को मस्जिद बना लो और नमाजें कायम करो। तो हम भी अपने घरों को खाली ना छोड़ें, इसमें नवाफ सारी फैमिली इकट्ठी होकर नवाफिल का एहतमाम करें। मस्जिद फराइज के लिए है और नवाफिल के लिए घर हैं। तो उम्मीद है मेरी इस बात पे आप गौर फरमाएंगे, नाराज़ नहीं होंगे। तो मेरे भाई बहनों, इसकी इस रात में कोई बंदगी इबादत मखसूस नहीं। हाँ, आप तहज्जुद के नवाफिल पढ़ें, सारी रात पढ़ें। आप कुरान की तिलावत करें, सारी रात करें। आप अल्लाह का ज़िक्र फरमाएं, सारी रात फरमाएं। आप दुआ मांगें, चाहे सारी रात मांगें। ये मखसूस आमाल ये हैं, नमाज, तिलावत, ज़िक्र और दुआ। और आंसुओं के साथ, अपनी खेती को पानी ना लगे तो सूख जाती है, ऐसे ही दिल में भी एक खेती आबाद है ईमान की, उसे आंसुओं के चंद कतरे ही समंदर बना दे की तरह सैराब कर देते हैं। तो आंसुओं के साथ ना हो तो कम अज़ कम रोने वाली कैफियत हो। तो ये तो इतना सा शब बरात है। रोज़े के बारे में जो इब्न माजा की रिवायत है, कूमु लैलहा वसूमु शहरहा, ये रिवायत बहुत शदीद ज़ईफ़ है और अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मौजू करार दिया है। तो इसमें रोज़ा इस नियत से रखना कि मेरे नबी की सुन्नत है, ये गलत है। इस तरह ये बिदअत बन जाएगा। कोई वैसे नफली रोज़ा इस रात में रखना चाहता है मुस्तहब समझ के, नफल समझ के, वो मेरे ख़्याल में उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन सुन्नत समझ के अगर वो रखना चाहता है तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि रोज़े वाली रिवायत बिल्कुल काबिल एतबार, काबिल हुज्जत नहीं है। इसमें तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि ये रिवायत शदीद ज़ईफ़ है और शदीद ज़ईफ़ से इस्तेदलाल नहीं होता, उसको हुज्जत नहीं बनाया जाता। कमज़ोर उसका ज़ोफ इतना शदीद ना हो और कई हदीसें जमा हो जाएं, तो फिर उसमें एक ताकत आ जाती है। तो अपने आप को जोड़ो अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह के नबी की हदीस के साथ। सही हदीस आपका माखज़ होगा तो आपको आसानी होगी करने में। तो असल में इबादात में एतदाल है। शायद ही कोई रात मेरे नबी सारी रात जागे हों, शायद, और शायद ही कभी आपने मुसलसल, इसमें तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी इशा के वज़ू से फजर की नमाज नहीं अदा फरमाई। बाद में एक रहबानियत का टच आया कि बंदगी में बहुत ज़्यादा ज़्यादती और अपने आप अपने नफ्स कुशी में राहबों जैसी थोड़ी थोड़ी झलक, एक अल्लाह वाले थे तो वो अपने सर के बालों को रस्सा बांध लेते थे और नफल पढ़ते थे। तो जब उनको नींद आती थी और सर झटका लेता था तो ऊपर से रस्सा था, उनको ज़ोर से झटका लगता, दर्द होता, आँख खुल जाती और फिर वो नफल शुरू फरमा देते। ये मेरे नबी का तरीका भी नहीं, मेरे नबी को पसंद भी नहीं। एक बुज़ुर्ग थे, आँखों में नमक की सलाई डाल लेते थे कि मेरी आँखों में मिर्चें लगेंगी, मैं नमाज़ पढ़ूँ। फिर कईयों के वाक़यात हैं, इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी, इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी। ये उनकी ज़ात के लिए अच्छे अमल हैं, लेकिन ये दीन इस्लाम की दावत नहीं है। ना ही ये दावत हम गैरों को पेश कर सकते हैं, ये तो उनको भगाने वाली बात है। एक बुज़ुर्ग में आता के बारे में आता, 25 साल जंगलों की खाक छानते रहे, 25 साल बाहर ही नहीं आए,
ये तो कोई कमाल की बात नहीं है, ये तो रहबानियत है जो मेरे नबी ने नापसंद फरमाई है, इससे रोका है, एतदाल है। कदाली का जालनकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें एतदाल वाली उम्मत बनाया है, ना दुनिया की तरफ ऐसा झुकाव है कि यहूद की तरह, ना रहबानियत का ऐसा झुकाव है ईसाइयों की तरह, तुम दरमियान में हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। हम औलिया कराम की किताबें पढ़ते हैं, वो अक्सर उसमें झूठे किस्से हैं, क्योंकि सनद तो है कोई नहीं। सनद के बग़ैर, सनद क्या है? मैं आपसे बात करता हूँ तो आप कहते हैं जी आपने कहाँ से सुना, मैं कहता हूँ वो लालू माछी से सुना है, तो कह लो अजी ओदी केड़ी कर ले, कोई बंदा ये इसको सनद कहते हैं। भाई आपने ये कहाँ से बात सुनी, मैं कहूँ मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से सुनी, तो कहें हाँ ये ठीक है, इसको सनद कहते हैं कि जो बात पहुँची है मुझ तक, कौन पहुँचाने वाला है? अगर वो सही मजबूत आदमी है वो बात मजबूत हो जाएगी, अगर वो कमज़ोर आदमी है बात कमज़ोर हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो बर्र सग़ीर में किताबें छपती हैं औलिया कराम की ज़िंदगी के बारे में, वो झूठे किस्सों से भरी पड़ी हैं, उनकी कोई सनद नहीं है अल्लाह के वास्ते। नबी की ज़िंदगी पढ़ो आपको पता चलेगा ज़िंदगी है क्या, क़ुरान पढ़ो आपको पता चलेगा अल्लाह चाहता क्या है। अल्लाह ताला इस रात की रहमतें बरकतें हमें नसीब फरमाए। असल में अल्लाह ने बख्शिश के बहाने रखे हैं, कोई शराबी है, कोई जानी है, कोई कातिल है, कोई माँ बाप का नाफरमान है, कोई मुशरिक है, कोई मुतकब्बिर है, कोई सूदखोर है, कोई रिश्वतखोर है, एक दफ़ा आज कह दे कल की रात है, कह देगा कि या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह की कसम अगर उसके गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान की छत तक भी होंगे ना, तो एक आधे बोल पर या अल्लाह माफ़ करो, अल्लाह सारे माफ़ फरमा दे। सुभान, आगे जुमला बड़ा खूबसूरत है, वला बाले, इसमें तकब्बुर है, वला बाले, हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। तो किसी नाफरमान को हकीर न जानो, और कभी अपनी नेकी पे तकब्बुर न करो। और एक जुर्म और भी है जो मैं कहते कहते 30 साल हो गए, फ़िरका वारियत से तौबा करो, अपने फ़िरके पे जमे रहो लेकिन दूसरों से नफरत, सलाम भी ना करना, जनाजा भी ना पढ़ना, हरम शरीफ में जाकर भी नमाज़ें ना पढ़ना। इंशाअल्लाह के वास्ते आज बहुत अवेयरनेस हो चुकी है, तो मेहरबानी करो, उम्मत बनो, मोहब्बत करो, एक दूसरे से मिलो जुलो, हम उम्मत बन के चलें। इख्तलाफ राय के फ़ैसले आखरत में हो जाएंगे। कुल कुल्लु यअमल अला शाकिलति फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, ऐसी इसमें जो देगें चढ़ाई जाती हैं, खैरात की जाती है, ये भी बिदात सुन्नत समझ के कोई करेगा तो बिदात है, वैसे फ़ी सबीलिल्लाह कोई देख करना चाहता है तो ठीक है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम।